हाय फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ऐप के बारे में जहाँ से आप फ़ोटो, किसी भी तरह का फ़ोटो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो किसी पर्सन का हो, किसी थिंग्स का हो। आप किसी भी प्रकार का फ़ोटो वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा और आपको सर्च करना होगा PICKS PicPic इस ऐप को। इस ऐप को सर्च करके इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करिए तो इस तरह से ओपन होगा। ये सिंपल सा ऐप्स है। साधारणतः आप किसी भी फ़ोटो को गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से करना और यहाँ से करना थोड़ा फ़र्क होता है दोस्तों, क्योंकि गूगल में हर तरह का फ़ोटो आ जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको फ़िल्टर फोटो आता है और यहाँ से आपको कुछ सुविधाएँ मिलती है। जैसे कि मुझे डॉग का फ़ोटो चाहिए तो मैं डॉग लिख के सर्च करता हूँ, मेरे सामने ये फ़ोटो आ जाते हैं। यहाँ पे हर तरह के आप इसे यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं दोस्तों कि आपको किस तरह का फ़ोटो पसंद है। साइज आप साइज, कलर, टाइप, टाइम सब कुछ फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करने के बाद आपको यदि यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको, यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जैसे इस फ़ोटो को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ आपको सेव का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से इसे शेयर कर सकते हैं। आप यहाँ से इसे सेव का ऑप्शन मिलता है, आप इसे सेव कर सकते हैं। डायरेक्टली तुरंत सेव भी हो जाता है। आप इसे डायरेक्ट फ़ोटो को शेयर करना चाहते हैं, आप केवल फ़ोटो को शेयर करना चाहते हैं तो आप केवल फ़ोटो को शेयर कर सकते हैं। आप केवल लिंक शेयर करना चाहते हैं तो केवल लिंक शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देखिए दोस्तों, केवल फ़ोटो को भी वहाँ से शेयर कर सकते हैं या फिर केवल लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो ये सुविधाएँ हमको यहाँ पर मिलते हैं। आप यहां से डायरेक्ट इस फ़ोटो को यूज़ कर सकते हैं एज अ वॉलपेपर कॉन्टैक्ट में या फिर व्हाट्सएप में या फिर और कहीं भी किसी भी ऐप में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके लिंक पे इधर कॉर्नर में लिंक पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये ऑप्शन आपको थ्री डॉट्स में भी वही सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ से रिलेटेड इमेज को सर्च कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इमेज शेयर कर सकते हैं या फिर इमेज का लिंक शेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्राउज़र में से सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये ऑप्शन मिलता है। देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट बस पार करते जा सकते हैं और सेव करते जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है सेव करने का, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। इस पर जैसे ही आपका पूरा खुल जाता है आप यहाँ से इसे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बहुत सारा किसी चीज़ का फ़ोटो डाउनलोड करना चाहते हैं तो या फिर आपको अक्सर फ़ोटो की ज़रूरत होती है, आप अक्सर फ़ोटो डाउनलोड करते हैं तो आप इस ऐप का प्रयोग करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप तुरंत तुरंत सेव भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं।